हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू सेशन क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पर डिस्कशन कर लिया था, है ना। और क्लास आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 2.3 को, ओके। और ये क्लास कंप्लीटली बेस्ड है आपका रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर, ओके। सो क्लास, जिन लोगों ने अभी तक रिमाइंडर थ्योरम क्लास को अटेंड नहीं किया है, उस क्लास का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर के देख लें। उसके बाद आप इस क्लास को अटेंड करेंगे तो आप क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में बहुत इजी और बहुत कंफर्टेबल फील होगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। फर्स्ट में से डिवाइड कर रहे x प्लस 1 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, ओके। यहाँ पर 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन को हम 1 by 1 सॉल्व करने वाले हैं, ओके क्लास। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर px इज गिवन हियर। व्हाट इज द px क्लास? दिस इज x क्यूब, हियर px is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1. This is the px, okay? And first we have divided by x plus 1 से. सबसे पहले हमें x plus 1 से divide करना है. तो क्या करेंगे? And the 0 of x plus 1 is क्या हो जाएगा? Minus 1. x प्लस 1 से डिवाइड करना है हमें, है ना। सो इसका जीरो क्या होता है? माइनस 1, ओके। तो हमें क्या फाइंड करना है? तो हम फाइंड करते हैं, सो हम फाइंड करते हैं p माइनस 1 फाइंड करेंगे, है ना। रिमाइंडर थ्योरम में यही था ना, हम p माइनस 1 फाइंड करेंगे और जो इसका वैल्यू आएगा वही इस पॉलीनोमियल का जीरो होगा, सॉरी रिमाइंडर होगा। सो p माइनस 1 फाइंड करेंगे, मींस माइनस 1 आपको इस पॉलीनोमियल पर पुट करना है। सो माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 और प्लस 1, क्लियर है। माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 1 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 एंड 3 इंटू 1 3, इज माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 एंड प्लस 1, इट बिकम 0, जीरो है। सो द रिमाइंडर विल बी जीरो। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम द रिमाइंडर इज जीरो ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल, क्लियर है। इन द सेम वे हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ओके क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी px आपका वही है ना, बस यहां पर चेंज हो रहा है। तो क्या आपका चेंज हो रहा है? हियर px, यहां पर भी आपका px वही है। हियर px इज इक्वल टू हाउ मच? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ओके। एंड द जीरो जीरो ऑफ हाउ मच? एक्स माइनस 1/2 इज 1/2, ओके। एक्स माइनस 1/2 का जीरो 1/2 होगा, इट मीन्स हमें क्या करना है? हमें पी 1/2 फाइंड करना है, क्लास। पी 1/2 फाइंड करना है, सो पुट कर लीजिए यहां पर 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 और प्लस 1, क्या मिला हमें? 1/2 का होल क्यूब 1/8 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 और 3 इंटू 1/4 3/4 प्लस 1/2 इंटू 3 हो जाएगा ये 3/2 और प्लस 1, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। एलसीएम 8 फॉर 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 8, है ना।
यहां हो जाएगा वन प्लस फोर टू जाए नीचे टू जा सिक्स प्लस ये फोर थ्री फोर जा ट्वेल्व प्लस यहां पर हो जाएगा एट। क्या मिला क्लास हमें? 12 और प्लस 8 20 और ये 7 27 बाय 8 सो द रिमाइंडर इज 27 बाय 8 है ना। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम द रिमाइंडर इज 27 by 8. Clear है? So class in this way we have to solve the next question. Okay? Okay. So class next question is x. It means we have to divide the given polynomial by x. Okay class? X. Now the PX system. Here px is equal to how much? वही है x cube plus 3x square plus 3x plus 1 and the zero of x and the zero of x is 0. Clear? So हमें क्या find करना है class? हमें p 0 find करना होगा। p 0 find करते हैं है ना? तो हमें एक्स्ट्रा पर जीरो पुट करना है, थ्री इंटू जीरो पावर स्क्वायर प्लस थ्री इंटू जीरो प्लस वन है ना। सी जीरो का होल क्यूब जीरो, थ्री इंटू जीरो का होल स्क्वायर जीरो, फिर थ्री इंटू जीरो जीरो, थ्री इंटू जीरो जीरो और ये सिर्फ हमें वन मिला है ना। यानी कि इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जब आप डिवाइड करोगे एक्स से इस पॉलीनोमियल को तो आपका रिमाइंडर ऑटोमेटिक वन मिलेगा। बस समझ में। सो द रिमाइंडर इज, सो द रिमाइंडर इज वन। ओके बाकी सॉल्विंग आप लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पर आते हैं। फोर में क्या आपका? फोर क्लास आपका x प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव। नाउ हियर योर सेम पॉलीनोमियल px is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1. Okay. And the zero of this x plus 5 is equal to is minus 5 hota hai iska zero. Hai na? Chaliye. Ab hum minus 5 ko is polynomial par put karte hain. Kya ho jayega hamara? P minus 5 माइनस पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस पाई का होल क्यूब और प्लस थ्री इंटू माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस पाई और प्लस वन। क्लियर है? पुट कर दिए। देन माइनस पाई का होल क्यूब दिस इज माइनस पाई क्यूब, हियर माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस पाई प्लस पाई स्क्वायर एंड थ्री इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस थ्री पाई स्क्वायर। हियर माइनस पाई इंटू थ्री दिस इज माइनस माइनस थ्री पाई, माइनस थ्री पाई एंड हियर इज वन प्लस वन। सो दिस इज द रिमाइंडर है ना। ये आपका रिमाइंडर होगा जब आप डिवाइड करोगे एक्स प्लस पाई से इस पॉलीनोमियल को तो आपका रिमाइंडर यही मिलेगा। सो so the remainder is यही है minus pi cube plus 3 pi square minus 3 pi plus 1, this is the remainder। आया बात समझ में क्लास? चलिए और इसका फिफ्थ क्वेश्चन है आपका है ना। क्या है? 5 plus 2x, 5 plus 2x है ना। अगर हमें 5 प्लस 2x से डिवाइड करेंगे इसी पॉलीनोमियल को तो क्या मिलेगा हमें? इसका रिमाइंडर वो हमें फाइंड करना है। ओके सो सेम प्रोसेस, हियर px, px इज x क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस
3x plus 1 and the zero of this 5 plus 2x is. अच्छा अगर हमें 5 plus 2x का जीरो फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, है ना? तो पहले 5 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा माइनस 5 और ये डिवीजन में तो माइनस 5 बाय 2 हो जाएगा, है ना? आप फाइंड कर लेंगे तो आपका इसका जीरो क्या हो जाएगा, माइनस 5 बाय 2. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड पी. व्हाट वी हैव टू फाइंड? पी माइनस 5 बाय 2 फाइंड करना है ना. पुट कर लीजिए क्या हो जाएगा, माइनस 5 बाय 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 5 बाय 2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5 बाय 2 और यहां पर प्लस 1, है ना. चलिए वैसे हम सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा हमें, 5 बाय 2 का होल क्यूब करेंगे क्लास फॉर्म में हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, इट मीन्स 125 माइनस 125 बाय दिस इज 2 का होल क्यूब 8. चलिए हमें जब स्क्वायर करेंगे यहां तो स्क्वायर करेंगे तो साइन प्लस में आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 25 बाय 4 प्लस. अच्छा जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस में आ जाएगा ना, माइनस 5 3 15 बाय 2 और प्लस 1, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर लो आप, माइनस 125 बाय 8 प्लस 25 3 75 बाय 4 माइनस 15 बाय 2 और प्लस 1. हर एक स्टेप को आप ध्यान से देखो, बहुत इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है ना, ध्यान से. अब हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे. एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 होगा. सो ये माइनस 125 प्लस यहाँ 4 2 8 मीन 75 2 150 एंड माइनस 2 4 8 सो 15 4 60 और यहाँ प्लस 8 ऐड कर लो आप, माइनस ये और ये माइनस को ऐड करो क्या मिलेगा आपको, माइनस भी मिलेगा आपको माइनस 185 प्लस में क्या मिला आपको 158 बाय 8. फाइनली क्या मिला क्लास आपको, सेपरेट करेंगे 15 में 8 गया तो 7, यहां बचा 7 में 5 गया तो 2 और योर वन 0 यानी कि माइनस 27 बाय 8. सो दिस इज द रिमाइंडर, बाकी सॉल्यूशंस आप लिख देंगे. ओके सो योर रिमाइंडर इज क्लास माइनस 27 बाय 8. I have asked me. Now let's move to the next question. Question number 3. So class, your next question is question number 2. The question is find the remainder. Again the same question. Find the remainder when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a. Okay. So this is your question number 2. Okay class, here the px is given here. What is the px? Here, px. Px diya hua class aapka x cube minus ax square plus 6a and minus a. Sorry, this is 6x minus a. Okay, this is the px and what we have divided, we have divided by x minus a से हमें divide करना है. So आप क्या कर लीजिए, the zero find कर लीजिए, इसका zero of x minus a is a हो जाएगा, यहाँ पे clear है. चलिए अब हमें क्या फाइंड कर लेते हैं, पीए फाइंड करना है. सो पीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां ए पुट करें, ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए. सो ये क्या हो गया क्लास आपका, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू फिर से ए क्यूब और यहां प्लस 6a माइनस a, तो a क्यूब प्लस माइनस में जीरो हो गया और 6a माइनस a दिस इज 5a.
सो आपका रिमाइंडर क्या होगा, जब आप डिवाइड करोगे x माइनस ए से इस पॉलिनोमियल को, तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा 5a. ओके, सो बाय द रिमाइंडर थ्योरम द रिमाइंडर इज 5a. है बात समझ में, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 आपका. क्वेश्चन नंबर 3 है क्लास आपका, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3³ + 7x. वी हैव टू चेक, है ना, कि 7 + 3x जो है ये इसका फैक्टर है या नहीं. ओके, तो क्लास कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टर कब होता है? सपोज अगर हमें चेक करना है कि अब 2 8 का फैक्टर है या नहीं, है ना, तो क्या करेंगे? अगर ये 8 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, इट मींस कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो इसका फैक्टर होगा, है ना. तो हमें वही काम करना, अगर हमें डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है, है ना, तो क्या होगा, वो उसका फैक्टर होगा. तो अगर हम रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि उसका फैक्टर है या नहीं है. सो रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे? बाय रिमाइंडर थ्योरम, है ना. हियर पीएक्स, पीएक्स क्या हमारे पास, ये 3x³ + 7x, 7x बस यही था हमारा पीएक्स, यही है. और हमें इसे डिवाइड करना है बाय 7 + 3x से, तो हम उसका 0 फाइंड कर लेते हैं. एंड 0 ऑफ 7 + 3x का 0 क्या हो जाएगा, 7 पे ले जाएगा तो -7/3 हो जाएगा. क्लियर है? तो पुट करके देखते हैं. सो पी माइनस 7/3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 × -7/3. अब हमें ये चाहिए 7 का होल क्यूब, है ना, तो क्या हो जाएगा, 7 × 7 = 49 और 49 × 7, तो 49 × 7, 7 × 63 का 3 = 6, 7 × 4 = 28 और 6 = 34. इट मींस 3 × 343 और ये माइनस बाय 3 का होल क्यूब, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27. ओके, तो ये हो जाएगा आपका, और यहां पर -7 × 7 = 49/3. ओके चलो, अब 3 से इसे डिवाइड कर लो, 3 × 9 = 27, क्या मिला आपको, -343/9 − 49/3. ये हो जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे आप तो हो जाएगा 9, है ना, और -343 − 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 27 × 7 = 2, 3 × 2 = 14, 147, है ना, क्या मिला आपने, माइनस माइनस प्लस होता है, आप ऐड कर लीजिए, 7 + 3 = 0, 4 × 4 = 8 + 1 = 9. ओके, एंड 7 हो जाएगा 4, सो -490/9. ओके, सो क्लास दिस इज द रिमाइंडर, जब आप डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर इतना बचेगा, है ना. सो रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, इट मींस क्लास 7 + 3x इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अगर रिमाइंडर 0 हो जाता तो फैक्टर होता, क्लियर है. हेंस आप लिख लेंगे यहां पर, हेंस 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x. आई बात समझ में, क्लियर है? सो क्लास योर एक्सरसाइज 2.3 इज कंप्लीटेड एंड नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू.